तो फ्रेंड अभी हम देखिए प्रवेश द्वार में एंट्री कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं निधिवन। तो निधिवन देखिए कुछ इस तरीके से है। प्रवेश द्वार घुसते ही कुछ इस तरीके का, मतलब कि सुरंग टाइप का बनाया गया है। कितना सुंदर बांस का उन्होंने इतना सुंदर सुरंग टाइप का बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आसपास जो सूखे हुए जो पेड़ थे, झाटी टाइप के थे, तो वो भी इन सब का एक स्टोरी है, पेड़ सब का एक स्टोरी है। तो बस पहले ये ओपन था, गाइड सब बता रहे थे कि ये ओपन था, तो बहुत लोग जब देखते थे तो पानी वानी का बोतल पी के वहीं फेंक देते थे, या तो चिप्स खा के वहीं फेंक देते थे। तो बस इस टाइप का एक सुरंग बनाया गया है, ये अभी अभी बनाया गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दूर तक ये सुरंग बनाया गया था, बांस का बनाया गया था। ये जो बांस का सुरंग बनाए हैं उसके लिए क्या था कि ज़्यादा गंदगी भी नहीं हो रहा था, और आसपास जो प्लास्टिक सब था, बोतल सब था, उसके लिए गंदगी भी हो जा रहा था, तो इसलिए बस सुरंग बना दिया गया कि वो गंदगी भी ना हो और साफ़ सुथरा रहे। हम जिस दिन गए थे उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, पर लोग माने इतना ज़्यादा भीड़ था फिर भी लोग में इतना ज़्यादा श्रद्धा था कि पूरा जो सुरंग के अंदर घुसते ही बस कृष्ण जी का जाप करते करते सभी जा रहे थे। उन सबको देख के इतना आनंद लगा। मन अभी भी लोगों के मन में कितना श्रद्धा भक्ति है कि इतने दूर दूर से लोग आ रहे थे। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि इतने भीड़ में कोई केरला से है, तो कोई उड़ीसा से है, तो कोई कोलकाता से है, बहुत सारे माने ज़्यादा स्टेट से हैं। तो ये चीज़ मैं देखी कि लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे। देखिए ये जो पेड़ सब है, ये पेड़ सब का एक स्टोरी है, तो वहाँ के गाइड सब बता रहे थे कि ये जो पेड़ सब है वो शाम को हरा भरा हो जाता है, दिन भर वो सूखा रहता है, शाम को हरा भरा हो जाता है, वो पत्ता पत्ता उसमें सारा हरा हरा पत्ता निकलता है। तो ये सब बात सुन के मुझे एक आश्चर्य टाइप का लगा, बट वो लोग भी सही बोलते होंगे क्योंकि ऐसा होता होगा तभी वो लोग बोल रहे थे। फ्रेंड बहुत जगह में कैमरा अलाउ था, तो बहुत जगह में कैमरा अलाउ भी नहीं था। तो जब मैं कैमरा ऑन करके ये सब जो शूट कर रही थी, तो बहुत जगह में रेस्ट्रिक्शन था, मुझे मना भी किया गया। बट मैंने तो आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो बहुत ही मुश्किल से मैं सारा वीडियो बना रही थी। कहीं कहीं पे रोक भी लगा रहे थे, पर मैं जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेके मैं वीडियो बना ही ले रही थी, क्योंकि आपको दिखाना था मुझे हर जगह। तो बस बहुत मुश्किल से मैंने ये छोटा छोटा जो क्लिप मैंने लिया है, तो बस फ्रेंड अगर अच्छा भी वीडियो ना बने तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जगह में मना था वीडियो बनाना, तो इसलिए थोड़ा वीडियो टेढ़ा टेढ़ा भी आ रहा है, उल्टा झुलता भी आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है, सूखा सा एक पेड़ है। यहाँ पे सब कोई ऐसे ही धागा बांध रहे थे, कोई कपड़ा बांध रहा था अपना मन्नत के लिए। तो देखिए, और फिर इसके बाद हम दूसरा एक मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो देखिए आपका नाम क्या है? इससे पहले जो एक मंदिर के सामने जो एक पुलिस थे, उन्होंने मुझे हाथ हिला के मना कर दिया, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल को नीचे कर दिया था, क्योंकि बहुत जगह में मना था। और देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, हर जगह जगह पे ऐसे पेड़ सब है,
तो सब कोई इसे प्रणाम कर रहे थे, धागा बांध रहे थे, कपड़ा बांध रहे थे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक स्टोरी है, ये निधिवन ही है, निधिवन के अंदर बहुत दो तीन मंदिर है। तो ये स्टोरी ये था कि बस ये शाम को ये जो पेड़ है हरा भरा हो जाते हैं और ये गोपियाँ बन जाते हैं। ऐसा बताया उन्होंने कि ये सारे पेड़ जो है रात को गोपियाँ बन जाते हैं और जो ये एरिया है वहाँ पे निकल के गोपियाँ लोग ऐसे डांस करते हैं। तो बस ये दो आंटी थे, वो लोग भी डांस कर रहे थे, बोल रहे थे हम गोपियाँ हैं, वो डांस कर रहे थे। सबका अपना अपना श्रद्धा भक्ति होता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ इस टाइप का पेड़ था, बट उन्होंने बांस से सिर्फ सारे एरिया को कवर कर दिया था। तो ये भी एक मंदिर है, हम वहाँ जा रहे हैं। अभी होली का टाइम है तो बहुत सुंदर होली के लिए डांस वांस भजन हो रहा था। तो देखिए बताया था कि वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, खास करके मंदिर के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। मेरे सासू माँ और उनके फ्रेंड आंटी भी वहाँ पे खूब डांस किए, बट मैं उसको वीडियो नहीं ले पाई। और हम मंदिर से बाहर निकल जाने के बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर होली का भजन में सभी कोई नृत्य कर रहे थे। भगवान के मैंने लीला में इतना मुग्ध हो गए थे कि जो भी जा रहा था वहाँ पे झूम उठ रहा था। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस टाइप का पेड़ था, वहाँ से तो अच्छा नहीं दिख रहा था तो मैंने इधर से आपको दिखा दिया। और देखिए हम सुरंग से बाहर निकल गए, बाहर निकल के फिर से हम एक चार्जिंग गाड़ी में बैठ गए क्योंकि हमारे कार से हमें तो रास्ता पता नहीं था। तो फिर हम कार लेके कहाँ जाते, तो बस कार तो हमारा स्टैंड पे ही था और हम चार्जिंग गाड़ी पे हर जगह जा रहे थे ताकि उनको हर जगह का रास्ता मालूम है। तो अभी हम जा रहे हैं वृद्धा आश्रम। तो मेरे सासू माँ को बहुत ही ज़्यादा मन था कि वृद्धा आश्रम जाना, गौरी गोपाल जी का वृद्धा आश्रम, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। हम लोग का घर यहाँ होना चाहिए, हम लोग जैसे ढंग के डेली वृंदावन बाला जी तो फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं अनिरुद्ध महाराज जी का वृद्धा आश्रम, गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम। अनिरुद्ध महाराज जी टीवी पे प्रवचन देते हैं, मेरे सासू माँ उनके बहुत ही मतलब प्रवचन सुनते हैं। और वो जो वृद्धा आश्रम है वो टीवी में भी दिखाया गया है, वहाँ पे जो जिसके बाल बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं तो अनिरुद्ध महाराज जी उनको शरण देते हैं और उनके आश्रम में रखते हैं। तो बस वही मेरे सासू माँ को बहुत ही देखने का इच्छा था तो हम वहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड मैं वहाँ गई और जब मैंने भी सोचा कि आपको मैं वो सारा जो माए सब हैं, जो बुजुर्ग माए सब हैं उनका वीडियो दिखाऊं, बट वहाँ पे मना था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। पर सच में वहाँ जाने के बाद मन बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। मैंने आजकल के ज़माने में भी अपने मैंने जो अपने जो बाल बच्चे होते हैं अपनी माँ को इस तरीके से अत्याचार करते हैं
और मतलब अपने माँ बाप को घर से निकाल देते, मैं तो आश्चर्य हो गई। देखिए ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, यही है वो आश्रम। तो बस इसके अंदर हम एंट्री किए, हम गए तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, वहाँ पे अलाउ नहीं था। पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे भी औलाद होते हैं जो कि अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। बहुत ही मतलब कि दुख की बात है। पर अगर ये वीडियो जो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आप भी कभी माँ बाप बनेंगे, आप भी कभी बुजुर्ग होंगे, और यही अगर आपकी औलाद आपके साथ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आप अपने एक माँ बाप को संभाल नहीं पा रहे हो, सोचो अनिरुद्ध महाराज जी कितनों के माओ को वो अपने शरण में रख रहे हैं, तो उनको कितना पुण्य मिलेगा। देखिए वो एक बेटे होके कितने माओ को अपने पास रखते हैं। और आप किसी के चार पांच बेटे होते हैं, जिसके भी दो बच्चे हो, एक बच्चे, वो अपने एक माँ बाप को नहीं रख पाते हैं, तो सोचिए कितना दुख की बात है। तो मैं जब वहाँ गई तो सच में मैं बिलीव नहीं कर पाई। फिर मैं उनसे पूछी भी, उन बूढ़ी माँ से पूछी मैं कि सच में ये ऐसा होता है, तो उन्होंने पूरा आँख से आंसू निकाल दिया, बोला हाँ हम घर से अत्याचार होके यहाँ आए हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। तो फ्रेंड देखिए, आश्रम के अंदर नीचे जो ये फोर्थ फ्लोर का बिल्डिंग था, तो नीचे कुछ इस टाइप का अनिरुद्ध महाराज जी का ये वहाँ पे जो भजन कीर्तन करते हैं, तो ये उनका देखिए बैठने का जगह था, और इस टाइप का कुछ अंदर में था। और बाहर में देखिए, ये जो बाहर में जो इतना भीड़ हुआ है, वहाँ पे देखिए ये भंडारा चलता है, ये प्रसाद मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, हम सोचे कि हम इतना दूर गए हैं तो हम भी ज़रूर प्रसाद खाएंगे, बट इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम नहीं गए। तो ये देखिए, ये सब प्रसाद खाने के लिए इतना भीड़ है वहाँ पर। तो हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, तो उसी आश्रम में गौरी गोपाल जी का जो आश्रम था, वृद्धा आश्रम, उसके नीचे इस टाइप का एक भजन कथा पंडाल है। तो बस हम वहाँ पे थोड़ा सा बैठे, और अनिरुद्ध महाराज अगर दिखे बोल के मेरा सासू माँ का बहुत ही ज़्यादा एक मन में एक ये था कि मैं गई हूँ तो मैं अनिरुद्ध महाराज जी को देखूँ, बट हमें नहीं लग रहा था उस समय संभव है, क्या पता वो कहाँ होंगे बोल के। पर फाइनली मेरी सासू माँ का जो बोलते हैं ना कि दिल से भगवान को मांगो तो वो पूरा होता है, तो हाँ फाइनली वहाँ पे अनिरुद्ध महाराज जी आए। तो वीडियो को आगे तक देखिए, अनिरुद्ध महाराज जी भी आए और मेरे सासू माँ उनका दर्शन भी किए। तो मेरे सासू माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, बोले कि मतलब कि मेरा आया हुआ सपना पूरा हो गया बोल के।
गुरुदेव भगवान की जय। एक एक करके आराम आराम से आइएगा। आइए आप लोग क्रमश प्रणाम करते हुए शीघ्रता से दर्शन करते हुए आप सभी वर्तमान के भाग बढ़िएगा। कथा का समय हो रहा है, इच्छुक पश्चात आप सभी भक्तगण शीघ्रता से प्रणाम कीजिएगा और क्रम से आगे बढ़ेंगे। मिलने के उपरांत आप सभी भक्तगण ऊपर जाकर के पहले और दूसरे मंदिर में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में सीढ़ी और लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जाकर के आप सभी भक्तगण दुर्गा माता के दर्शन अवश्य कीजिएगा। नीचे गोदी गोपाल भगवान जी की रसोई चल रही है, बेसमेंट में आप सभी भक्तगण नीचे जाकर के भोजन शादी अवश्य। फ्रेंड, इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड की हूँ उसमें मैं म्यूजिक डालना भूल गई हूँ। प्लीज़ फ्रेंड आप देख लीजिएगा, अपलोड करने के बाद मुझे पता चला ये मिस्टेक मेरे से हो गया है। फिर भी आप देखिएगा, मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, उसको एडिटिंग करके आपके पास छोड़ रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ पता चले हम कैसे गए कैसे नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड देखिएगा और देखिए, फाइनली हम अनिरुद्ध महाराज जी का दर्शन कर लिए। मेरी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और देखिए लोगों का इतना ज़्यादा उनके प्रति जो श्रद्धा है आस्था है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। तो ये चीज़ है फ्रेंड, हाँ वो इतने माँओं को अपने शरण में रख रहे हैं, उनमें कुछ तो खूबी है कि लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड अपना अपना श्रद्धा और विश्वास होता है, लोगों का अपना श्रद्धा और विश्वास है। तो फ्रेंड बस यही था हमारा अनिरुद्ध महाराज जी तक का दर्शन। इसके बाद हम और भी जगह घूमे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड जो जो मेरे चैनल में न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय, जय माता रानी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।